इस लोकसभा इलेक्शन दे विच कई वड्डे आगू चोण हार गए। इन्हें नहीं पीएम मोदी के कैबिनेट के 20 मंत्री भी इस इलेक्शन दे विच हार गए, जिन्हां नूं पीएम मोदी दे वल्लों कैबिनेट दे विचों बाहर दा रस्ता विखाया गया है। पर एक शख्स अजिहा भी है जिहड़ा कि हारन के बावजूद मोदी की कैबिनेट दे विच शामिल है। वह नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। जी हाँ, सही सुनिया तुसीं, कुछ समा पहला ही कांग्रेस छड़ के भाजपा दे विच आए रवनीत सिंह बिट्टू नूं मंत्री अहुदे नाल नवाजिया गया है। पर बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू ते इन्नी मेहरबान क्यों है? क्यों रवनीत सिंह बिट्टू ते बीजेपी नूं विश्वास है? आखिर की कारण ने? मंत्री क्यों रवनीत सिंह बिट्टू नूं बनाया गया? अजे ही जानते हैं इस रिपोर्ट के राही। पीएम मोदी की तीसरी कैबिनेट दे विच ना सिर्फ हारन वालों नूं पासे किया गया है, सगों कई प्रमुख लोगों नूं भी जेतुआं विच थान नहीं दिती गई। मिसाल वजो स्मृति ईरानी, आर के सिंह, संजीव बलियान, अर्जुन मुंडा ते अजय मिश्रा टैनी समेत 15 तो वध मंत्री चोणां हार के तीसरी सरकार दे विच मंत्री नहीं बने ते ओह बाहर हो गए। जितने के बावजूद दूसरी मोदी सरकार विच कैबिनेट मंत्री रहे अनुराग ठाकुर वर्गे ताकतवर आगू भी मंत्रिमंडल विच शामिल नहीं ने। हालांकि पंजाब की लुधियाणा सीट तो करीब 20,000 वोटों नाल चोण हारन के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू नूं मोदी मंत्रिमंडल दे विच थां मिली है। पर हुण सवाल यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू नूं मंत्री क्यों बनाया गया? इसका कारण है पंजाब की सियासत विच रवनीत सिंह बिट्टू का अक्स, जिस तो ना तो कांग्रेस अते ना ही भाजपा इनकार कर सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के एक वड्डे सियासी परिवार नाल संबंध रखते हैं। उन्होंने दादा जी बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे ने, जिन्होंने खालिस्तानिया ने बंब धमाके दे विच मार दिता सी। 24 मार्च 2024 तो पहला रवनीत सिंह बिट्टू खुद कांग्रेसी सन। बिट्टू 3 बार लोकसभा दी इलेक्शन जित चुके हैं तो वह भी 2 वख-वख सीटों तो। 2009 रवनीत सिंह बिट्टू आनंदपुर साहिब तो इलेक्शन जितते और फिर वो लगातार 2 बार लुधियाणा तो संसद मैंबर बने। मार्च 2021 कुछ दिनों के लिए उन्होंने लोकसभा दे विच कांग्रेस सदन का नेता भी बनाया गया सी। 24 मार्च 2024 लोकसभा चोणों के ऐलान तो ठीक पहला रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छड़ के भाजपा दे विच शामिल हो गए। भाजपा ने भी उन्होंने आड़े हाथी लिया और लोकसभा की सीट दिती। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद चुन प्रचार से आके कहा सी कि मैं जल्द ही बिट्टू नूं वड्डा आर्मी बनावांगा। अमित शाह के इस बयान का अर्थ ही कढ़िया गया कि जेकर रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाणा तो इलेक्शन जितते हैं तो मोदी सरकार दे विच मंत्री बनना तय है। बिट्टू कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजावड़िंग तो करीब 20,000 वोटों नाल हार गए। पंजाब के लोगों को लगता सी कि हुण बिट्टू नूं उड़ीक करनी पवेगी, पर जिवें ही 9 जून नूं सहुं चुकण की तरीक तय हुई तो यह भी तय हो गया कि रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र विच मंत्री बन जाणगे। सहुं चुकण तो पहला खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मेरी पीएम मोदी नाल गलबात हुई है। रवनीत बिट्टू के इस बयान तो यह तय है कि हुण पंजाब च भाजपा का सब तो वड्डा चेहरा उभर के सामने आ रहा है। भाजपा ने अपने सब तो पुराने भाईवाल अकाली दल नूं छड्ड दिता है और लोकसभा चोणों के रिजल्ट ने स्पष्ट कर दिता है कि हुण भाजपा पंजाब विच इकल्या ही राजनीति करेगी। इस दे लई जिस फायर ब्रांड की लीडर की लोड़ है वह है रवनीत बिट्टू। इस अलावा पंजाब च इस बार लोकसभा चोणों के रिजल्ट उन्होंने विचों जिते 2 आजाद संसद मैंबर ने ना सिर्फ भाजपा सगों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी चौकस कर दिता है। इस अलावा पंजाब 60% आबादी सिखा की है। बिट्टू पगड़ीधारी सिख ने, उन्होंने मंत्री बना के पार्टी इस आबादी के होर करीब जाने की कोशिश कर रही है। बिट्टू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करके भाजपा उन्होंने जवाब देने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने पंजाब विरोधी कहते हैं। पार्टी नेतावान उम्मीद है कि बिट्टू के मंत्री बननियों के बीजेपी को लैके सकारात्मक संदेश जाएगा। पार्टी की रणनीति सिख चेहरा अगे रखते हुए पेंडू एरिए सियासी जमीन बनाने की है। खडूर साहब सीट तो नवे संसद अमृतपाल सिंह संधू ने, जिसनों पंजाब का दूसरा पिंडरांवाला कहा जाता है। अमृतपाल जो कि पूरी तरह खालिस्तानी पक्षी है, ना सिर्फ चोण जित के सांसद बनया सगों इंदिरा गांधी के कातल बेअंत सिंह का पुत्र सरबजीत सिंह खालसा भी फरीदकोट तो सांसद बन चुका है। इन्हों दोवां की जित को पंजाब में खालिस्तान प्रति वधदी हमदर्दी तो देखा जा रहा है। इस हमदर्दी को खत्म करने लिए अजिहे आगू की लोड़ है जो खालिस्तान के खिलाफ होवे। रवनीत सिंह बिट्टू इस बहुत ही वधिया विकल्प ने।